Hi guys, it's Nishant Puri. Welcome to NPST Circle. Today I'm going to start the new topic, arithmetic progression, which is very important, very easy and very interesting. देखो यार ये arithmetic progression है क्या? पहले आराम समझते हैं. जैसे लिखा हुआ 3, 6, 9, 12, okay, dot, 99 तक गया. चलो भैया ठीक है 99 तक गया. Okay, तो इसमें पहला जो टर्म है ना AAP क्या होता है मैं समझाता हूँ. Okay, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म. इसको ए से दिखाते हैं, टी वन बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो. ओके, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म. उसी तरह ये क्या हो गया? टी टू मतलब सेकेंड टर्म. ओके, टी टू, टी टू मामा ने. ओके, टी थ्री मीन्स थर्ड टर्म, टी फोर मीन्स फोर्थ टर्म. ओके, और ये है टी एन या ए एन. ओके, मीन्स nth टर्म, nth टर्म. ओके, चलो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, ये एपी में है कि नहीं. पहले हम जो कांस्टेंट की बात किए थे वो देखो, कांस्टेंट डिफरेंस होता है d बराबर t2 माइनस t1. कोई भी चीज़ पता चलता है कि वो एपी में है या नहीं, तो उसको पहले देखते हैं कि उसका डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं. 3 से 6, 6 माइनस 3, कोई भी दो टर्म ले लो, कितना है? 3 आया. ठीक है, चलो यार 9, 12 लेते हैं. ओके, 12 माइनस 9 कितना आया? 3 आया. तो ये एपी में है. ओके, तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्या होता है. डी इज इक्वल टू t2 माइनस t1. अब तो हमको ये बताओ ये एपी में है या नहीं. ठीक है, ओके, पहला नंबर 1, 5, 9, 13 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है या नहीं. सर इसका फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ए इजकल टू 1, डी इजकल टू, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कॉन्स्टेंट. दिस इज इन एपी. ओके सर, ये तो बहुत इजी था. ए बहुत इजी इजी बताते हैं. ये बताइए ना, रूट 2, रूट 8, रूट 18, ओके, रूट 32. लो भैया ए भी बताना है, डी भी बताना है, पहले बताओ ये एपी में है या नहीं. चलो देख लेते हैं, इसको बताते हैं. ठीक, फर्स्ट टर्म रूट 2, डी निकालना है. देखो एक बात याद रखना, इसमें सबसे छोटा कौन है? रूट 2 है. ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो. इसको बनाने से पहले सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रूट में देखो ये टेक्निक याद करो, 2 9 18, 2 into 16. देख लो मेरा यूज टेक्निक यूज करो, ये कितना हो गया? 2 root 2, ये कितना हो गया? 3 root 2, ये कितना हो गया? 4 root 2. तो ए कितना हुआ? रूट 2. डी कितना हुआ? इजी है. ओके आगे बनाते हैं, ये समझ गए. कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज समझेंगे, ध्यान से देखना. ओके देखो यार भाई, ठीक है, सर ने बोला था कि 1 जिसे 5 है और 9 है, ठीक है, डॉट 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 कुछ भी है. ठीक है, ये ए बी में है या नहीं. फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म टी 2 इजकल टू 5, टी 3 इजकल टू 9, डॉट डॉट टी एन भी होगा सपोज. ये ए पी में है या नहीं? 5 माइनस 4, 9 माइनस 4 कॉमन डिफरेंस है. चलो भैया ये तो ए पी में है, फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, ये तो ए पी में है. लेकिन हम लोग अगर सीखेंगे कि यार ऐसे करके टी 10 है वो निकालना है, यार ये कैसे निकालेंगे? यार टी 10 कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है. फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए. टी 1 इजकल टू ए. नाउ टी 2 इजकल टू, यार टी 2 निकालना है, 2 है. ओके तो ए प्लस 1 डी देख लो करके. ठीक है, टी 3 निकालना है, रुको 3 में से 1 घटाओ कितना होगा? 2. ओके तो 3 माइनस 1 ऐसा लिखो, यानी कितना हो गया? ए प्लस 2 डी. अगर हम लोग टी 4 निकालते हैं तो क्या होगा? ए प्लस 3 डी. चलो भैया टी 91 निकालो. सर 90 में से 1 घटा देंगे कितना होता है? 90 माइनस 1, 90 डी. सर टी एन बता दो ना यार, फॉर्मूला ही बता दो. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. डी क्या है? कॉमन डिफरेंस. ए क्या है? फर्स्ट टर्म. कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. यहाँ तक समझे? ओके ये आगे क्वेश्चन देखिए. टी एन दिया हुआ है, फाइंड ए एंड डी. ए किसको कहते हैं यार? ये कहते हैं फर्स्ट टर्म को. डी किसको कहते हैं? कॉमन डिफरेंस को. देखते हैं, एन की जगह अगर पुट करेंगे 1, 5 into 1 minus 2 कितना है? 3. टी 1 को ही कहते हैं ना यार फर्स्ट टर्म. ठीक है, चलो टी 2 निकालते हैं. सर टी 2 कैसे निकालते हैं? एन की जगह 2 रख देंगे. ठीक है,
ओके। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, ओके हो गया खत्म, इजी है। बस एन की जगह पुट कर देना, ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत आगे तो याद रखना। टी 25 निकालना होता तो N25 रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं। ओके, फाइंड 12th टर्म ऑफ द AP, 12th टर्म मींस T12 यूजिंग द फॉर्मूला A प्लस 11D। हाँ सर, A दिया हुआ है 14, पहले तो हम A लिख ले, A 14, D कितना दिया हुआ है, यहाँ गलती करता है लोग, 5 लिख देता है, 14 माइनस 9। देखो ध्यान से, मैंने कहा था T2 माइनस T1, ओके ओके, 9 माइनस 14, नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस, ओके कॉमन डिफरेंस, कॉन्स्टेंट डिफरेंस कुछ भी बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन डी इक्वल टू माइनस 5, ए प्लस 11 डी, ए कितना भैया 14 प्लस 11 इंटू माइनस 5, नाउ 14 माइनस 55 इट्स माइनस 41, ओके इजी है, देखा कितना इजी है। चलो आगे देखते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। बस ये सब क्वेश्चन डिफरेंशिएट कर देता है, क्या मांग रहा है, विच टर्म, सर क्वेश्चन को देख के ही पता चल गया कि क्या मांग रहा है, एन, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, ये सब पूछेगा तो एन निकालना है। क्या दिया हुआ है सर, सबसे पहले दिया लिखते, गिवन, ओके ए इजकल टू 5, डी इजकल टू 9 माइनस 5 इट्स 4, एंड टी एन इज इक्वल टू 81। नाउ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी इजकल टू 81। नाउ ए इज गिवन, ए क्या दिया हुआ है, ए क्या है 5 है ना, ईजी है, हम लोग को निकालना क्या है, एन निकालना है ना, डी क्या है 4, 81, बस ये प्लस 5 उधर गया तो क्या होगा माइनस 5, ठीक है, तो यार 81 में से 5 गया तो क्या होगा 76, सो 4 से कितना मारे कटेगा 19 बार में, माइनस 1 उधर गया तो क्या होगा प्लस 1, ईजी है। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ओके, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ आ गया एंड, लोग फॉर्मूला याद करते हैं, एल माइनस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला याद नहीं करना यार, मेरा तरीका यूज करो, सर एंड बोला, ओके तो क्या करते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं, माइनस 62 को पहले लिखेंगे, फिर डॉट 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 के बाद फोर आया, एंड से बोला है ना। अब क्वेश्चन क्या होगा बता दो, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, ओके और टी 11 फाइंड, हाँ टी 11 का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस 10 डी, हो गया, ए कितना है माइनस 62 प्लस 10, सर डी कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 4, इसमें देखना, इसमें नहीं, इसमें देखना 3, डायरेक्ट तुम लोग मत लिखना, ये कितना आ गया माइनस 32। देखा इस तरह से एपी का फर्स्ट सेशन खत्म होता है, अभी बहुत पढ़ना है, बहुत इजी चैप्टर है, आसान से खत्म करेंगे, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ओके और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो आप, ओके बाय बाय एवरीवन।